हो गया। दोस्तों नमस्कार, अभी हम हैं मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर प्रखंड परिसर में। यहाँ मोतीपुर प्रखंड में वार्ड सदस्यों का एक मीटिंग रखा गया है, जिनका ऑर्गेनाइज जो है अमरेंद्र तिवारी जी कर रहे हैं। ये वार्ड संघ का जो है जिला अध्यक्ष है। चलिए हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ का जो मीटिंग आज का बैठक जो हुआ है कौन सा सिलसिले पर हुआ है, कौन सा मुद्दे पर हुआ है, क्या बात आज रखा गया है, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। तो मेरे चलन में सबसे पहले आपका स्वागत है। आज का जो मीटिंग जो हुआ है, इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहले हम आपके चैनल को और आपको बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। आज हम लोग वार्ड सदस्य पंच संघ के द्वारा मोतीपुर प्रखंड इकाई का बैठक हमारे प्रखंड उपाध्यक्ष उपेंद्र जी के अध्यक्षता में कराई गई। आज हम लोग यहाँ बैठने का मेन मकसद है कि 2023 हम लोग का आंदोलन का दिन रहा, क्योंकि 2 साल हम लोग को जीतने के बाद हम लोग राह देखते रह गए कि हम लोग को कुछ अधिकार मिलेगा, हम लोग को कोई समीक्षा किया जाएगा, हम लोग पर सरकार के द्वारा विचार किया जाएगा। लेकिन 21 में चुनाव हुआ, 22 में हम लोग पर जब कोई विचार नहीं हुआ, 23 में हम लोग लगातार 2 बार जिला में धरना प्रदर्शन किए, 1 अप्रैल में और दूसरा 3 अक्टूबर को। सरकार के द्वारा जो भी अधिकार या जो भी समस्या निदान के लिए प्रशासन को दिया जाता है निर्देश समय समय पर, उसका नीचे का प्रशासन के द्वारा लागू नहीं किया जाता है। ये लोग का मानसिकता क्या है वो भगवान जाने। जिसका जीता जागता उदाहरण है कि हम लोग जिला में बैठक करके और एक आवेदन दिए थे 3 नवंबर 2023 को कि हम लोग का अनुरक्षक का पैसा प्रखंड में आया हुआ है, उसको समय रहते बांट दिया जाए और मानदेय का भी पैसा हम लोग को दे दिया जाए। जो हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व छठ और दीपावली है, उसमें अगर दे दीजिएगा तो बहुत वार्ड मेंबर का दीपावली और छठ खुशी खुशी मन जाएगा, क्योंकि हम लोग के लिए वह बहुत राशि होता है। जिला पंचायती राज पदाधिकारी के द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और पंचायती राज पदाधिकारी को पत्रांक 3464 दिनांक 10/11/2023 के द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को आदेश दिया गया कि पत्र के आलोक में यथाशीघ्र कार्रवाई करते हुए और 1 कॉपी इनको दिया जाए। दुर्भाग्य 7 प्रखंड मुजफ्फरपुर के 7 प्रखंड के द्वारा आधार कार्ड, बैंक पासबुक का और माने ब्लॉक जिला को उपलब्ध कराया, वहाँ अनुरक्षक का राशि और मानदेय का भी राशि जाने का काम किया, लेकिन दुर्भाग्यवश 9 प्रखंड कोई ऐसा काम नहीं किए जिसके कारण पैसा यहाँ से लौट गया और हम लोग को पैसा नहीं मिल पाया, जिसके लिए अब हम लोग को मजबूरन प्रखंडे बैठक करना पड़ रहा है। और हम लोग नए सरकार से भी भेंट करेंगे कि आज जो है महीना का पैसा जब सब आदमी को दुगना किए हैं तो वार्ड पंच को भी दुगना करना चाहिए। अगर आप कहिएगा कि हमारे पास पैसा नहीं है तो ठीक है, पैसा नहीं है तो वार्ड पंच को 80% बढ़ोतरी किए हैं तो अन्य प्रतिनिधि को भी 80% क्यों नहीं बढ़ोतरी किए? जब उनको 100% बढ़ोतरी किए हैं तो हम लोग को 100% बढ़ोतरी किया जाए। इसके लिए हम सरकार और उप मुख्यमंत्री से बात करेंगे। 12 तारीख से विधानसभा का सत्र चलने वाला है, उसमें जा करके हम लोग अपना ज्ञापन देंगे। अगर समय रहते आचार संहिता से पहले हम लोग का अनुरक्षक राशि और मानदेय का पैसा नहीं मिलता है तो हम लोग कोर्ट में जाने का काम करेंगे। और सरकार अगर हम लोग को पैसा में बढ़ोतरी और सामंजस्य नहीं बैठाता है तो हम लोग लोकसभा के इलेक्शन में ईवीएम के माध्यम से अपने ताकत का एहसास कराएंगे, क्योंकि पूरे बिहार में 1,14,624 वार्ड मेंबर
और उतने ही पंच हैं। और हमारे मुजफ्फरपुर ज़िला में 5108 वार्ड मेंबर और 5108 पंच हैं जो 7 सदस्यीय कमेटी से जुड़ गए, तो 7×35,000 हो गया। और 35,000 के घर में अगर 5-5 को वोट है तो 1.5-2 लाख के लगभग हो गया। और हम लोग माने लोकसभा में बता देंगे कि पंचायती राज के सबसे नीचे पौधान वार्ड पंच का उपेक्षा करने का क्या परिणाम होता है। अगले बार हम लोग 19 में नवंबर 19 में मिरल हाई स्कूल में बैठक करने का काम किए थे और एनडीए के सरकार को हम लोग आश्वासन दिए थे कि अगर आप हमारे बात को मानिएगा तो हम लोग लोकसभा में मदद करने का भरपूर भरोसा देते हैं। और उस समय हम लोग के मदद से 40 में 39 सीट लेने का काम किए हैं। तो अगर हमारे बात को उपेक्षित किया जाएगा तो देने में भरपूर हैं तो लेने में भी भरपूर हैं, क्योंकि शंकर जी हैं, देने में भी देर नहीं लगता है और लेने में भी देर नहीं लगता है। इसलिए आपके माध्यम से हम पदाधिकारी और सरकार को चेतावनी देते हैं कि हमारे बात को गंभीरता से लिया जाए और जो संविधान में लोकतंत्र में जो नियमावली है उसके अनुरूप काम किया जाए। उससे अलग हटके हम कोई काम नहीं मांग रहे हैं। हम अमरेंद्र तिवारी, जिला अध्यक्ष, वार्ड सदस्य, पंचायत मुजफ्फरपुर बिहार। चलिए, यहाँ तो बहुत वार्ड सदस्य लोग बैठे हुए हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, ज़्यादा वार्ड सदस्य तो बात हम नहीं करेंगे, लेकिन एक आदमी और है, आपका नाम क्या हुआ? धीरज कुमार पाठक, वार्ड पंचायत सरैया। राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो जनप्रतिनिधियों के प्रति, जो वार्ड सदस्यों के प्रति जो दोहरी जो नीति जो कर रहा है उसके खिलाफ आज हम लोग बैठ कर के निर्णय लिए हैं। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को हम बताना चाहते हैं कि आप विधायक के विधायक निधि देते हैं, सांसद के सांसद निधि देते हैं, मुखिया के वित्तीय आयोग देते हैं। अगर सभी जनप्रतिनिधियों का आपने जो है कि आयोग से देते हैं तो वार्ड मेंबर को अछूत आप क्यों रखे हुए हैं? अगर वार्ड मेंबर को आप मौलिक अधिकार से आप अछूत क्यों रखे हुए हैं? अगर वार्ड सदस्यों को अधिकार नहीं देना है तो फिर आप चुनाव क्यों कराते हैं? यह महात्मा गांधी जी की सपना थी कि जब तक ले गाँव समृद्ध नहीं होगा तब तक ले देश समृद्ध नहीं होगा। और महात्मा गांधी जी की सपना था कि गाँव को समृद्ध करने के लिए ग्राम पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधियों का चुनाव कराया जाए। और जो आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार वार्ड सदस्य के साथ जो दोहरी नीति खेल रही है, मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि आप संभल जाइए, न तो आने वाला जो आपका समय होगा लोकसभा और विधानसभा में पूरे मुजफ्फरपुर पूरे बिहार के वार्ड सदस्यों को जागरूकता करके और हम आपका ईंट से ईंट बजाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आप वार्ड सदस्यों का अधिकार दीजिए नहीं तो हम लोग का इस्तीफा लीजिए, क्योंकि जब सभी जनप्रतिनिधियों को अधिकार आपने दिया है तो वार्ड सदस्य को अधिकार क्यों नहीं? काटिए।